नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है करियर काउच में शुभांकर भट्टाचार्य पर। या दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग ने अपने पंख फैलाते गए और एक के बाद एक हम हर एक चैनल को टच करते हुए आज हम आप पहुंचे हैं प्राइम स्टूडियो पर। तो दोस्तों, जैसे कि करियर काउच आज तक अपना एक नाम बनाती आई है कि हम लोग स्टूडेंट्स तक लेके चलते हैं कि क्या क्या एजुकेशन में उनके पास नए अपॉर्चुनिटीज क्या है लॉकडाउन के तहत, लॉकडाउन के बाद, और कौन से ऐसे करियर्स हैं जो उनके पास एक नए माध्यम से पहुंच सकेंगे। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोग बात कर रहे थे मेडिकल साइंस के ऊपर, नीट के ऊपर हम लोगों ने बातचीत की, हम लोगों ने बात की कि कौन कौन से ऑप्शंस, कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज इंडिया एंड अब्रॉड को मिला के। आज हम बात करने वाले हैं एक और डिपार्टमेंट की जो कि है न्यूक्लियर मेडिसिन। ये मेडिकल का वो डिपार्टमेंट है जो 1960 के दशक में भारत में डेवलप करना शुरू किया और शायद ग्लोबली ये 1930 से इसके ऊपर काम चल रहा है। बहुत पुराना नहीं है उस हिसाब से अगर देखा जाए, लेकिन आज के दिन में ये अपना जो रिलेवेंस है वो बढ़ता जा रहा है इसका। आज न्यूक्लियर मेडिसिन के ऊपर बात करने के लिए हमने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर अमिताभ आर्य। डॉक्टर अमिताभ आर्य न्यूक्लियर मेडिसिन के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट SCPGI लखनऊ, यहां ये एडिशनल प्रोफेसर है। तो आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं डॉक्टर अमिताभ आर्य से और जानते हैं कि न्यूक्लियर मेडिसिन आखिर होता क्या है और आखिर ये करियर में एक कौन सा ऑप्शन और कैसा ऑप्शन लेके आ रहा है। डॉक्टर साहब, वी वेलकम यू टू आवर स्टूडियो प्राइम टीवी। तो डॉक्टर साहब, बात करते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन की। क्या है ये न्यूक्लियर मेडिसिन? एक्चुअली सिंपल शब्दों में बोले तो इट इज द सेफ यूज ऑफ डेड एटम्स फॉर ह्यूमन बींग्स। एक आपने न्यूक्लियर बॉम्ब एटमिक बॉम्ब देखा जहाँ पे हम न्यूक्लियर एटम्स को यूज करें फॉर डिस्ट्रक्शन, तो न्यूक्लियर मेडिसिन में हम डेड एटम यूज करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, चाहे वो कैंसर का हो, पेशेंट्स को ट्रीट करना हो, या फिर डायग्नोसिस में अलग अलग बीमारी है, रीनल स्कैन, बोन स्कैन, थायराइड स्कैन, तो इट इज द फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड यूज ऑफ डेड एटम इज। ये बात आपने डॉक्टर साहब बहुत सही कही कि जब हम लोग कभी भी न्यूक्लियर साइंस की बात करते हैं तो दिमाग में आने लग जाता है एटम बम, हाइड्रोजन बम, यही सब दिमाग में आता है, लेकिन वही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आज के दिन में मेडिसिन के रूप में भी इस्तेमाल हो सकती है, ये कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था। डॉक्टर साहब, जहां तक हमने सुना है कि इसके दोनों तरीके के एप्लीकेशन हो सकते हैं, डायग्नोस्टिक भी और थेरापेटिक भी, क्या होती है एप्लीकेशन? एक्चुअली हम लोग रेडियोएस्टोम्स मंगाते हैं, सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है इंडिया में वो है DRC बाबा एटम रिएक्टर और ट्रॉम्बे में जो बॉम्बे के पास, दैट हैज बीन प्रोड्यूसिंग सिंस डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा क्रिएटेड इट, तो दैट वाज द आइसोटोप वी हैव बीन यूजिंग फॉर ह्यूमन यूज। और बाकी भी एस्टोम बनते हैं वो अपना जो बाकी मिसाइल टेक्नोलॉजी वो सब यूज होता है वो अलग चीज़ है, तो हम लोग वहाँ से न्यूक्लियर रिएक्टर से हम लोग मंगाते हैं। जो हमारा प्राइमरी एजेंट है मॉलिब्डेनम एंटेना है वो वहाँ पे बनता है, जिससे हम लोग टेक्नीशियम एजेंट बनाते हैं, उसको अलग अलग किट से टैग करके अलग अलग ऑर्गन का हम इमेजिंग करते हैं। ओके, जैसे कि और हम लोग को डेली सुबह उसको हमारे टेक्नोलॉजी को उसको बनाना होता है। ओके, तो उसके बाद सपोज यू हैव बोन स्कैन, तो बोन स्कैन के लिए हड्डी की जाँच है तो उसमें अलग किट होती है MDP, उसमें आपने टैग किया, उसमें आपने सलाइन डाला, उसकी अलग 5 जोड़ बनाए। अच्छा, गुर्दे के लिए अलग किट है, वो भी हम लोग ब्रिट से मंगाते हैं, बाबा रेडियो टेक्नोलॉजी से ही मंगाते हैं। तो डॉक्टर साहब, जब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो इसका मतलब है कि ये इसके दो यूटिलिटीज निकल रही हैं, एक डायग्नोस्टिक और दूसरा थेरापेटिक।
तो कैसे करके एप्लीकेशंस आप लोग डिजाइन करते हैं? एक्चुअली हम लोग आइसोटोप्स मंगाते हैं बीआरसी से, भाभा एटमिक रिएक्टर ट्रॉम्बे से, जो कि शुरुआत से वहीं से आइसोटोप आता है, पूरे इंडिया में सप्लाई होता है, एंड दैट इज अंडर एआरबी, दैट इज एटमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जो कि वियना में है, जो कि हेडक्वार्टर है, और वहाँ से हम आइसोटोप मंगाते हैं। फिर डेली मॉर्निंग में टेक्नोलॉजीज को आइसोटोप में से मॉलिब्डम मंगाते हैं हम लोग एवरी वीक, और उसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं, कॉलम जनरेटर, और उससे हम लोग टेक्नीशियन बनाते हैं डेली। उसके बाद हम लोग टैग करते हैं डिफरेंट किट के साथ, जैसे कि किडनी की जांच करनी है उसके लिए रीनल स्कैन के लिए अलग किट में हम उसको टैग करते हैं, और बोन के लिए अलग है, लिवर के लिए अलग है, किडनी के लिए अलग हो गया, ब्रेन के लिए अलग हो गया, तो उसको टैग करके अलग अलग डोज एज पर द पेशेंट्स हम लोग उसको यूज़ करते हैं। और अब हमारे पास पेट सीटी स्कैनर दिया गया है, पहले पेट स्कैनर था, पेट एज अ फ्यूजन विथ सीटी। पेट सीटी स्कैनर में हम लोग दूसरे एजेंट्स हैं जिसके लिए हमें साइक्लोट्रॉन खुद चाहिए होता है, वो हमें साइक्लोट्रॉन से बनाना होता है। और कई बार अगल बगल में जहाँ पे कुछ प्राइवेट सेंटर में जो कि बेचते हैं उससे भी ले सकते हैं, और वो दोनों डायग्नोस्टिक पार्ट हो गया, गामा कैमरा एंड पेट सीटी। थेरेप्यूटिक में हम लोग वी ट्रीट ग्वाइटर घेगा जो गला फूल जाता है, थायराइड कैंसर, फिर कई बार कैंसर होता है, कैंसर ब्रेस्ट, कैंसर प्रोस्टेट, कैंसर लंग, जो कि पूरे हड्डी में फैल जाता है, जिसके लिए पेन किलर्स खाता है आदमी 10-10, 12-12, उससे लाभ नहीं होता, साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो वी गिव पेन पैलेशन, रेडियोक्लाइड पेन पैलेशन, उसमें क्या होता है हम आइसोटोप इंजेक्ट करते हैं, जैसे समारे 133 हो गया, P32 हो गया, और उसमें धीरे वो जाके प्योर बी टेम्पर धीरे वहाँ पे जो पेन सेंटर्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि जो नंबर ऑफ मेडिसिन कम होती है, जो उसकी लाइफ जब तक है तो ही हैज गॉट अ बेटर लाइफ रादर देन हैविंग 10-20-30 मेडिसिन टू केयर। ओके, तो इसीलिए आप लोग इसको थेरापेटिक तो कहते हैं लेकिन इसको क्यूरेटिव नहीं कहते हैं। नहीं, क्योर में नहीं, इसमें तो पेन पैलेशन की मैं बात कर रहा था, लेकिन क्योर में हम लोग थायराइड कैंसर ट्रीट कर सकते हैं, और उसमें हम लोग प्रोस्टेट कैंसर में जब मेटास्टेसिस होता है उसमें ट्रीट कर सकते हैं, कुछ लिवर कैंसर होते हैं उसको भी ट्रीट कर सकते हैं, है बहुत सारे इसमें ऑप्शंस। राइट डॉक्टर साहब, एक और बात, जब हम लोग बात रेडियोलॉजी की करते हैं तो हमें सबको पता है कि इसमें रेडिएशन का बहुत खतरा रहता है, एक सिंपल एक्सरे से लेके सीटी स्कैन तक लोग बचते हैं, यहाँ तक कि वहां के जो टेक्नीशियंस होते हैं वो अपने बचाव के लिए अलग अलग गार्ड यूज करते हैं, तो फिर आप उसी रेडियोलॉजी की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उस रेडिएशन के एक्सपोजर को आप उल्टा पेशेंट्स तक पहुंचा रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि इसके कुछ खतरे भी हैं जो कि शायद इसके ऊपर जांच नहीं हो पा रही है, इसका रिसर्च अभी? नहीं नहीं, हम लोग एक्चुअली ये 1920 में फर्स्ट टाइम ह्यूमन बींग्स पे स्टार्ट हुआ था, ये यूएसए में शुरू हुआ था, उसके बाद 1945 ज़्यादा तेज़ी आई, इंडिया 1960s में आया, और हम लोग अनसील्ड सोर्स यूज़ करते हैं, यू मेक द रेडियोएक्टिविटी एंड वी इंजेक्ट इट, प्राइमरली वी यूज टेक्नीशियम, टेक्नीशियम जो होता है उसकी 160 kV गामा एमिशन होती है, हाफ लाइफ 6 घंटे होती है, और 140 kV गामा एमिशन है, वी नो इट, और उसमें हमें लेड एप्रन वगैरह नहीं पहनना होता, ओके, वी डोंट नीड इट, और उसमें एक रूल है रेडिएशन सेफ्टी का, सारा हम लोग जैसे सीखते हैं पढ़ते हैं टाइम डिस्टेंस शील्डिंग रेडियस, उसमें हम लोग को किस टाइम में इंजेक्ट करना, क्या फिर हमारे लेड के पॉट्स होते हैं जिसमें हम ला के इंजेक्ट करते हैं, फिर वो उसी में डालना होता है, अलग एक सेफ्टी के लिए होता है, और पेशेंट जैसे आपने 5 मिलीक्यूल इंजेक्ट किया, पेशेंट को 5 मिलीक्यूल आपने इंजेक्ट किया जी, तो 6 घंटे में 2.5 मिलीक्यूल डिके करके हो जाएगा, उसके बाद 6 आवर और डिके करेगा, तो एंड इट इज़ टोटली सेफ। अभी तक कोई ऐसी स्टडी आई नहीं जिसमें कि किसी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर मेडिसिन की जाँच से उसको कैंसर हो जाए, अभी तक तो ऐसी रिपोर्ट आई। सर आपने तो इसको इतना आसान तरीके से बताया जैसे लगा कुछ चीज ही नहीं है, लेकिन एक बात और जानना चाहूंगा, अब आते हैं थोड़ा करियर पॉइंट पर। सर न्यूक्लियर मेडिसिन दो कंपैरेटिवली इट इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, इट इज अ न्यू साइंस, किस प्रकार के करियर ऑप्शंस इसमें से अभी जोड़ के निकल के आ रहे हैं? देखिए, एक तो आफ्टर एमबीबीएस हमारा अब तो नीट हो गया, पहले अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते थे जी, अब तो एक कंबाइंड हो गया है, हम लोग के टाइम अलग एंट्रेंस होते थे, तो हमारे पास एमडी कोर्सेज हैं काफ़ी सेंटर्स में से, एसजीपीजे लखनऊ में हमारे एमडी को 1988 से है, वी आर द फर्स्ट सेंटर इन होल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, होल ऑफ एशिया टू स्टार्ट एमडी कोर्स, 3 ईयर एमडी कोर्स, लाइक आई एम द थर्ड एमडी न्यूक्लियर मेडिसिन इन इंडिया। ओके, वाओ। तो पहले क्या था, डिप्लोमा होता था, अब एमडी भी डिप्लोमा
DRM डिग्री कहते हैं, डिप्लोमा रेडिएशन मेडिसिन, दैट इज इन इन मास दिल्ली, जो DRDO का है, और एक एक वहाँ पे BRC का है अपना RMC रेडिएशन मेडिकल सेंटर, इट इज ऑपोजिट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इन बॉम्बे, वहाँ पर है। उसके अलावा MSC न्यूक्लियर मेडिसिन भी शुरू हो गए, जैसे हमारे MSC न्यूक्लियर मेडिसिन हमारे SGPGI ने भी अलॉन्ग विद डॉक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ कोलाबरेट करके दिया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन इज BSc एंड अदर देन दैट वी हैव लॉट ऑफ MD कोर्सेज नाउ कमिंग अप स्लोली। DMD कई जगहों पर है, जैसे कई अपोलो हॉस्पिटल में DMD कोर्सेज हैं जी, और अब साउथ में काफ़ी जगहों पर MD has started, DMD is there, तो ऑप्शंस आते हैं जी। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की कोर्सेज स्पेशली इन मेडिकल साइंस ऐसी सीट्स बहुत कम होती है, जहाँ MD की सीट्स अगर देखा जाए कहीं दो, कहीं पे तीन, कहीं पे चार, इसी तरीके से। और क्योंकि न्यूक्लियर मेडिसिन अपने आप में बिल्कुल अभी एक न्यू साइंस कंपैरेटिवली मैं कह रहा हूँ, उस हिसाब से तो इसकी सीट्स तो कम होने ये तो लाजमी है। लेकिन एक बात मैं जरूर जानना चाहूंगा कि जब हम न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करते हैं तो क्या MBBS करते हुए आपके दिमाग में आ चुका था कि आपको आगे चल के न्यूक्लियर मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन करना है? नहीं, मुझको तो MD में मेडिसिन में जाना था जी, मुझको मिल गया न्यूक्लियर मेडिसिन तो नहीं ज्वाइन कर लिया। तो सर, तो क्या ऐसा ही हो रहा है कि इसको एज अ, क्योंकि मेडिसिन में सीट्स कम हो जाती हैं, उस पर नहीं मिल पाती हैं, कि तब बच्चे इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तब उस पर आगे बढ़ रहे हैं, कि इसी तो अपने आप में इट इज अ डेवलपिंग साइंस, तो क्या ऐसा नहीं MBBS में? नहीं, लोग एक्चुअली क्या हो गया कि अब एक सेट होता है कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बनना है या मेडिसिन में जाना है, सर्जरी में, गायनी में, तो थोड़ा अगर आप हट के सोचेंगे तो काफी ब्रांच है जी। जैसे मैं आपको पुरानी बात बताऊँ, मुझको MD एविएशन मेडिसिन में मिल गया था, ओके, दैट इज डन इन बैंगलोर, इंडियन एयरफोर्स के उसमें, ओके, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैंने दिल्ली में। एविएशन मेडिसिन में क्या होता है, MD दैट स्टिल एग्जिस्ट, वो 1980 से एग्जिस्ट करता कब हो गया है, तो उसमें क्या होता है कि दे हैव अ 3 ईयर MD कोर्स इन एविएशन मेडिसिन, तो उसमें जो एयरफोर्स का पायलट है जो टेक ऑफ करता है हाई एल्टीट्यूड में, जो प्रॉब्लम सिकनेस है, उसको डॉक्टर डील करता है, ओके। तो आई गॉट MD एविएशन मेडिसिन, बट इवेंचुअली आई जॉइंड इन MD न्यूक्लियर मेडिसिन। तो आप जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि एज अ न्यूक्लियर मेडिसिन उनके पास करियर ऑप्शन किस प्रकार का है, कितना वाइड ये एरिया है जिस पर वो काम कर सकते हैं, इज इट दैट ल्यूक्रेटिव एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स और नॉट? एक्चुअली विद द अराइवल ऑफ, पहले तो हम लोग गामा कैमरा करते थे और हमारा वार्ड होता था फॉर थायराइड कैंसर, अब PET CT स्कैनर आते हैं, PET CT हैज रेवोल्यूशनाइज्ड न्यूक्लियर मेडिसिन, क्योंकि PET CT में क्या, हम लोग बायोकेमिकल लेवल पे इमेजिंग करते हैं, गामा कैमरा फिजियोलॉजिकल इमेजिंग करते हैं, आपकी एक्सरे में, CT में आप एनाटॉमिकल इमेजिंग करते हैं। तो PET CT से क्या हुआ है कि यू कैन डिसाइड द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एजेंट यूज होता है फ्लोरीनेटिन, फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज की साइकिल पूरे बॉडी में, तो जहाँ पे आपका हो सकता है कि CT MRI में ना आए, तो आपने अगर स्कैन कर दिया PET CT, होल बॉडी स्कैन किया, तो जहाँ पे कैंसर है वहाँ पे ग्लूकोज अपने बढ़ जाता है, सेल्स बढ़ रहे हैं, तो दैट इज द डिसिसिव टेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस टेस्ट टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। एंड उसके साथ अब PET MRI भी आ गया है, PET विद MRI फ्यूजन के, बहुत कम सेंटर्स पर है क्योंकि द सेटअप इज वेरी कॉस्टली, तो उसमें PET स्कैन के साथ आप MRI भी कर सकते हैं, तो इट इज ग्रोइंग एंड अपकमिंग ब्रांच, एंड इसमें रिसर्च भी बहुत हो रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मशीन्स, लेटेस्ट गैजेट्स। अभी जो हम लोग गामा कैमरा यूज़ करते थे व्हेन आई वाज डूइंग माय MD एंड SGPGI लखनऊ, तो उसमें मैनुअली सब उसमें जो कॉलीमेटर कहते हैं, अलग अलग इन एनर्जी लेवल के कॉलीमेटर्स होते हैं, तो आईडीन स्कैन के लिए अलग होता है, टेक्नीशियन स्कैन अलग होता है, तो हम लोग मैनुअली चेंज करते थे हम और टेक्नोलॉजी मिल के, अब ऑटोमेटिक आ गया, टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट। सर, जैसे कि आपने अभी, क्योंकि न्यूक्लियर मेडिकल टेक्नोलॉजी को अभी आपने एकदम से शब्द इस्तेमाल किया, इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजिस्ट आ रहे हैं, दोस्त हुआ नॉन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, तो नॉन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स में ये जो टेक्नोलॉजिस्ट आते हैं उसमें कौन कौन सी कोर्सेज हैं और कहाँ अवेलेबल है, कुछ बता सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि न्यूक्लियर मेडिसिन में न्यूक्लियर मेडिसिन डॉक्टर होते हैं जी, उसके अलावा वी नीड अ रेडियो फार्मेसिस्ट जी, उसके लिए एक डिग्री डिप्लोमा रेडियो फार्मेसी होती है, दैट इज डन इन RMC बॉम्बे, और भी कई जगह है। इसके अलावा DMRIT होती है, डिप्लोमा मेडिकल रेडियो आइसोटेक्नोलॉजी आफ्टर BSc, वो फॉर टेक्नोलॉजी जो कि पूरा संभालता है, पूरा इमेजिंग करेगा, वो करेगा, फिल्म डेवलप करेगा। उसके अलावा आप रेडियो फार्मेसिस्ट, एक होता है रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर,
उसमें रेडिएशन लेवल देखना क्या है, ठीक से हो नहीं रहा है कि गामा कैमरा उसकी कैपेसिटी की आपकी क्वालिटी कंट्रोल करना, तो वी नीड द रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर एज वेल। राइट, ऑप्शन बहुत सारे हैं, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर अलग चीज़ होगी, रेडियो फार्मासिस्ट जो कि आइसोटोप बनाएगा, एंड अ फिजिसिस्ट, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट। तो वी हैव थ्री ऑप्शन फॉर कैरियर इन न्यूक्लियर फिजिक्स, ओके, फॉर अ नॉन मेडिकल। राइट, तो सर जैसे कि आपने बताया कि अगर हम सिर्फ रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट के लाइन पर हम देखें, तो आपने बताया कि इसमें भी काफी ऐसे रिक्वायरमेंट है और बहुत ल्यूक्रेटिव आइडिया है। सो मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर मेडिकल कोर्सेज, तो खैर अपने आप में दैट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वे ऑफ लर्निंग एक्चुअली इन इंडिया। मुझे बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि मेडिकल एजुकेशन विदेश में हमारे देश से ज्यादा सस्ता रहा। इसके कई कारण ये रहे थे और उसका एक सबसे बड़ा पहलू ये था कि भाई जो एक्सपोजर टू वेरियस डिजीजेस इन इंडिया वो ज्यादा वाइड है। बाहर जाके करने में ये था कि भाई वहां पे ड्यू टू द वेदर, ड्यू टू उनका एटमॉस्फेयर जैसा है, उसकी वजह से वहां पे उतने डिजीजेस नहीं है उतने। ये हम लोग पिछली बार भी हम लोग इन सब बातों पर डिस्कस कर चुके हैं। सर एक बात जरूर पूछना चाहूंगा, कोरोना अभी जारी है और इस टाइम पे डॉक्टर्स की जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो बढ़ती जा रही है। क्या आपको लगता है कि ये जो न्यूक्लियर मेडिसिन है, ये क्या हमारे कोरोना के फाइट करने में कुछ ज्यादा कारगर हो सकती है, नहीं हो सकती, क्या है? हमारा तो अभी जैसे कि हम लोग का तो बिल्कुल जाम पैक था, वी हैड 250 बेड ट्रॉमा सेंटर जो वाज कन्वर्टेड इनटू कोविड हॉस्पिटल, तो बहुत पेशेंट्स थे हमारे यहाँ। तो हम लोग उसके बाद सबसे डैमेज लंग्स को, राइट, तो लॉट ऑफ पेशेंट्स जो है हमारे यहाँ पे, तो हम लोग पेट सीटी स्कैन कर रहे हैं, होल बॉडी स्कैन, लंग डैमेज दिख रहा है, राइट, दैट वी आर डूइंग। तो राइट नाउ वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू सी द प्रोग्नोसिस ऑफ द फ्यूचर कोर्स ऑफ द एक्शन, क्या होगा डिजीज का, जो लंग डैमेज है जिनकी फाइब्रोसिस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, वो डैमेज तो कर ही रहा है जी। तो वी आर डूइंग अ पेट सीटी होल बॉडी स्कैन जी। तो सर इसका मतलब है, मैं जो जानना चाह रहा था बेसिकली, कि उसका मतलब है कि रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट, आई मीन रेडियो आइसोटोप टेक्नोलॉजिस्ट, उनकी भी जरूरत बड़ी हुई है और जो प्रैक्टिशनर्स है न्यूक्लियर मेडिसिन, उनकी भी जरूरत बहुत बड़ी हुई है। तो उस हिसाब से कोर्सेज, तो आपने बताया कि सीट्स किस तरीके से चारों तरफ जितने डिवाइडेड है, और अभी भी जैसे केजीएमयू है, आज तक केजीएमयू में अभी तक ये डिपार्टमेंट आया ही नहीं है, लेकिन जो ये रेडियो टेक्नोलॉजी जो बनना चाहते हैं, स्पेशली आइसोटोप टेक्नोलॉजी जो बनना चाहते हैं, ऐसे कोर्सेज, इनकी कोर्स कॉस्टिंग कैसी आती होगी और किस प्रकार का? देखिए, एक तो डीएमआरआईटी तो 1960s से हो रही है इन आरएमसी बॉम्बे जी, दैट इज रेडिएशन मेडिकल सेंटर बॉम्बे, तो दैट इज कंफर्टेबल, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अ प्राइवेट एक अनुमानित कोई फिगर ऐसा नहीं होता, लेकिन इट इज कंफर्टेबल, ऐसा नहीं है। जैसे आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बच्चे को दाखिला लेंगे तो एवरेज 7-8 लाख 10 लाख चला जाता है, ओके, वही आप किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसका तो बिल्कुल नेगलिजिबल खर्चा होगा, ओके। तो ये जो डीएमआरआईटी है, तो डीएमआरआईटी में इसकी तो अवेलेबल प्राइवेट में कितना ओपनिंग है? और डीएमआरआईटी तो डीएमआरआईटी इज लाइक अ टेक्नोलॉजिस्ट कोर्स आफ्टर बीएससी, ओके, और अब तो एमएससी भी है, तो एमएससी करके भी आप टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ओके, और जहां पे न्यूक्लियर मेडिसिन होगा वहां तो टेक्नीशियन भी चाहिए, right, एक रेडियो फार्मासिस्ट भी चाहिए और रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर भी चाहिए, राइट, जो कि पूरा मॉनिटर करेगा रेडिएशन के तले वाले क्या है, राइट, दीस थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अलोंग विद द न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन। सर आप जो हमारे एमबीबीएस एस्पिरेंट्स हैं, इवन जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, तो उनको आप क्या गाइड करेंगे, उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या न्यूक्लियर मेडिसिन उनके लिए एक अच्छा ल्यूक्रेटिव करियर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और अगर है तो आगे फ्यूचर कैसा है उनका? जैसे मैं यहाँ पे 6 साल यहाँ पे रेजिडेंसी किया जीपी जाए, मैं अब 15 साल हो गए, तो कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो एमडी स्टूडेंट्स हैं जो कि एमडी मेडिसिन, एमएस गायनी और एमडी रेडियोथेरेपी छोड़ के आए, दिस मींस दे नो द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, राइट राइट। मैं जब पूछता भी तुम एमएस दो तीन जो एमएस ऑर्थोपेडिक्स छोड़ के आए, राइट, सर फीस में कैसे डिफरेंसेस है आपस में? फीस तो गवर्नमेंट का है तो ऑलमोस्ट द सेम, सरकारी में तो इट इज ऑलवेज चीपर, नो डाउट अबाउट। तो
सर थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब, आपने समय निकाल के आप हमारे स्टूडियो में आए। आपने हमारे ऑडियंस को बताया कि न्यूक्लियर मेडिसिन ऐसा करियर ये ऑप्शन कैसा है, इनका फ्यूचर कितना ल्यूक्रेटिव है। दोस्तों एक बात जानने की है, हम लोग हर करियर के विषय में जब बात करते हैं तो हम लोग जरूर कहते हैं कि उसका जो प्रॉस्पेक्ट है वो कैसा जाता है, लेकिन एक बात हम लोग को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो नए नए जो मेडिकल साइंसेस आ रही है इस पर अगर रिसर्च वर्क अगर पूरी तरीके से नहीं होता है तो क्या होता है कि एक पूरा साइंस पूरा दब के रह जाता है। हमारे देश में ऐसे कई टेक्नोलॉजीज ऐसे कई साइंस ये उभर के आ रही है और जरूरत है कि उस पर भी इंटरेस्ट लिया जाए। क्या होता है कि कुछ ट्रेडिशनल लाइंस पर तो लोग जानते ही हैं, अगर आप किसी बच्चे से पूछा जाए तो बहुत सबसे आसान चीज होती है कि करियर पूछा गया तो मतलब या डॉक्टर या इंजीनियर, लेकिन उसमें भी कितने वैलिड डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए कितने करियर्स हैं और कौन सा कितना ल्यूक्रेटिव है, ये थोड़ा सोचने और समझने की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रिस्क भी लेना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है कि किसी एक नए साइंस पर जब आप पढ़ते हैं थोड़ा सा आपको साहस दिखाना पड़ता है कि नहीं इसमें हम अच्छा कर जाएंगे, ये एक अपकमिंग टेक्नोलॉजी है उसमें हम ज्यादा गहन स्टडी करेंगे, रिसर्च का कितना बड़ा एक ऑप्शन खुल जाता है, स्काई इज द लिमिट। तो इसी वजह से हम हर बार एक नए डिपार्टमेंट को लेकर आपके साथ बात करते हैं। करियर काउच का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि हम वो छुपे छुपे डिपार्टमेंट छुपे छुपे ऑप्शन ऑफ करियर उनको लेके हम आप तक। तो दोस्तों आगे और भी इस प्रकार के हम करियर ऑप्शंस लेके आपके पास आते रहेंगे, तो देखते रहिएगा करियर काउच में शुभांकर भट्टाचार्य नाउ ऑन प्राइम टीवी। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सब अच्छे हैं और आज हम लोग मिले डॉक्टर अमिताभ आर्या जी से जो कि SGPGI लखनऊ के न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट के एडिशनल प्रोफेसर। तो दोस्तों हमें अच्छा लगता है जब आप हमसे संपर्क करते हैं और अपने करियर को लेके बहुत सारे सवालात करते हैं। टीम करियर काउच की यही आशा है कि मेडिकल नॉन मेडिकल टीचिंग लॉ या फिर कोई भी नॉन टेक्निकल करियर रिलेटेड कोई भी सवाल का जवाब आप तक पहुंचाना और न्यू कोर्सेज से आपको रूबरू करते रहना। तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पे हमें जरूर कांटेक्ट करिए और देखना मत भूलिए करियर काउच विद शुभांकर भट्टाचार्य एवरी संडे एट 9 PM ऑन प्राइम टीवी। थैंक यू, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।